अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शबीना नाज और आप देख रहे हैं मिलर टाइम्स। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है। अब तक इस मर्ज का कोई हल सामने नहीं आया है, कोई दवा नहीं बन सकी है, लेकिन भारत में कुछ लोगों ने इस मर्ज की दवा ढूंढ निकाली है। आप भरोसा रखिए, मिलर टाइम्स सच बता रहा है। आप ये मत सोचिए कि जब अमेरिका के डॉक्टर और साइंटिस्ट ने इसकी दवा बनाने में कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाई है, चाइना, इटली और तरक्की याफ्ता मुल्कों का मेडिकल सिस्टम इसकी दवा बनाने में अब तक नाकाम है, तो भारत इतना आगे कैसे बढ़ गया जिसने कोरोना वायरस की दवा ढूंढ निकाली है। दरअसल भारत एक ग्रुप उन लोगों का जिन्हें गाय और पर और सिर्फ गाय की ही नहीं, गाय की हर चीज पर विश्वास है। उसी ग्रुप ने कहा है कि कोरोना का इलाज गाय का गोबर है। अखिल भारतीय महासभा एक मशहूर तंजीम है। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहते हैं। अब उनका एक और बयान चर्चे में है, लेकिन इसको विवादित बयान नहीं कह सकते क्योंकि मामला उनकी आस्था का है। हर शख्स को ये हक हासिल है कि जिस चीज के बारे में और जिसको चाहे अपनी आस्था बना ले। अब इनकी एक आस्था ये है कि गाय का मूत्र पीने से कोरोना वायरस नहीं होगा। स्वामी चक्रपाणी ने कोरोना से बचने के लिए शनिवार को एक गौमूत्र पार्टी का आयोजन किया है। गौमूत्र के बारे में चक्रपाणी ने कहा, देश में कोरोना वायरस का खौफ बढ़ रहा है, लेकिन हमारी जिंदगी में ही इससे बचने का इलाज है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हम दिल्ली में एक गौमूत्र पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, जहां पहले हवन होगा, फिर कुल्हड़ में गौमूत्र पिलाया जाएगा, उसके बाद हवन होगा। आजकल की वेबसाइट ने इनसे पूछा कि क्या गौमूत्र से कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, इससे बचाव कैसे होगा। तब स्वामी चक्रपाणी ने कहा, गौमूत्र में 32 तरह के ऐसे गुण होते हैं जो शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है और ठीक रखता है। गौमूत्र पीने के बाद कोरोना वायरस हो ही नहीं सकता, और अगर किसी को कोरोना वायरस हो गया तो गौमूत्र पीने से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि आप आस्था की बुनियाद पर कह रहे हैं या साइंस की बुनियाद पर, तो स्वामी जी ने जवाब दिया कि ये आस्था की ही बात है, ये शास्त्रों में भी लिखा है, कई देशों में हमारी शाखाएं हैं, पूरे भारत में हम इस तरह की पार्टी करेंगे और कोरोना से बचने की तैयारी करेंगे। स्वामी से जब पूछा गया कि चीन में आपकी शाखा नहीं है क्या, वहां तो सबसे ज्यादा मौत हुई है, तब उन्होंने कहा कि चीन में हमारी कोई शाखा नहीं है, वहां जानवरों की हत्या की जाती है जिसकी वजह से कोरोना का जन्म हुआ है और तबाही मची है। भारत में इस तरह के हालात ना हो, इसीलिए हम गौमूत्र को पिला रहे हैं। मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अल्लाह हाफिज़।